दोस्तों, आप में से बहुत से व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछा है या पर्सनल मैसेज करके पूछा है कि भैया एक वीडियो बनाओ एलसीडी डिस्प्ले के बारे में कि किस प्रकार से ये काम करती है, साथ साथ इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप आगे देख लो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसी के बारे में, चाहे वो आपके कंप्यूटर्स का एलसीडी मॉनिटर हो गया हो या आपकी एलसीडी टीवी हो गया हो या आपके स्मार्टफोन की एलसीडी डिस्प्ले। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊँगा क्या क्या इसके यहाँ पर पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करती है और आखिरकार हम यहाँ पर ऐसी कैसी क्या टेक्नोलॉजी लगा देते हैं कि हम किसी भी वीडियो को या किसी भी पिक्चर्स को आसानी से हम उस डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बेसिकली दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी, के एलईडी की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्सों को मिलाकर बनाई जाती है। दूसरी बात, वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है। और तीसरी चीज़, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी यहाँ पर बात हम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, ये वीडियो एक रीमेक वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एलसीडी टीवी के बारे में, बट एक्चुअली हुआ क्या, उस टाइम इतने सारे मेम्बर्स नहीं जुड़े हुए थे, इतने सारे दोस्त लोग नहीं जुड़े हुए थे, तो ये मैं फिर से एक और वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये उससे भी बेटर और सरल तरीके में कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को समझाने की। तो यहाँ पर दोस्तों, कोई भी डिस्प्ले हमें चाहिए पड़ती है तीन चीज़ों की जरूरत, जिसमें से एक होती है लाइट की, क्योंकि उसी लाइट को कंट्रोल करके हम आगे अपने डिस्प्ले पर चित्र बनाएंगे। दूसरा होता है कलर फिल्टर, क्योंकि कलर फिल्टर ही एक ऐसी चीज़ होती है जिनके जरिए हम उस लाइट को कंट्रोल करेंगे, कम ज़्यादा करके उनमें से कलर बनाएंगे। और एक ऐसा सिस्टम जिससे हम उस लाइट को कंट्रोल कर सकें, अपने हिसाब से दे सकें कलर फिल्टर को। तो मेन रूप से इन्हीं तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसी भी डिस्प्ले के लिए। बात करें हमारे एलसीडी डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली चार चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले होता है बैक लाइट, फिर होता है पोलराइज्ड फिल्टर। पोलराइज्ड फिल्टर यहाँ पर दो होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और तीसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल, चौथा होता है पिक्सल यानी कलर फिल्टर। अब फटाफट से मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक लाइट ऑफ एलसीडी डिस्प्ले, मतलब बैक लाइट के बारे में कि इसमें कौन सी बैक लाइट यूज़ की जाती है, कैसे काम करती है। तो जो हमारी एलसीडी डिस्प्ले होती है उसमें जो बैक लाइट होती है वो होती है CCFL, SCFL टाइप, जिसको हम कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ट्यूब प्रकार की होती है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बैक फ्रेम में ये लगी होती है, ठीक है। एक सबसे पीछे लगी होती है, इसलिए हम इसको बैक लाइट बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से ये होती है। अब बात करें दोस्तों पोलराइज्ड फिल्टर के बारे में कि एलसीडी डिस्प्ले में कौन कौन से पोलराइज्ड फिल्टर को काम में लेते हैं। तो आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे पोलराइज्ड फिल्टर के बारे में कि पोलराइज्ड फिल्टर क्या होता है। तो इसको हिंदी में दोस्तों हम कांच की ध्रुवीकृत पारदर्शी फिल्म बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक ग्लास की पोलराइज्ड फिल्म होती है, ठीक है। अब एक्चुअली पोलराइजर होता क्या है, आप में से बहुत से लोगों ने धूप के लिए सनग्लासेस जरूर से परचेस किए होंगे, उनको यूज भी किया होगा। उनको लगाने के बाद आपने देखा होगा जो आपको दिखता है वो एकदम क्लियर दिखता है, मतलब कि आपकी आँखें हैं वो चकाचौंध नहीं खाती, क्योंकि दोस्तों उसमें भी एक फिल्टर लगा होता है। वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से किसी एक फेज में उस लाइट को पोलराइज कर देता है, जिसकी मदद से आप आगे की जितने भी दृश्य होते हैं उनको क्लियरली देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम दो पोलराइज फिल्टर को काम लेते हैं, एक होता है वर्टिकल पोलराइज फिल्टर, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर। वर्टिकल पोलराइज फिल्टर होगा वो वर्टिकल लाइट को आगे जाने देगा, बाकी सभी लाइट को ब्लॉक कर देगा। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर लाइट भी मैं यहाँ से जो लाइट निकली वो बिखरी हुई है, मतलब कि इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में बिखरी हुई है। इसके बाद ये एक पोलराइजर लगा दिया हमने, वर्टिकल पोलराइजर, तो यहाँ के बाद जितनी भी लाइट निकली वो सभी वर्टिकल पोलराइज लाइट होगी, मतलब कि वर्टिकल किरणें ही यहाँ से निकल पाएंगी, बाकी सब ये ब्लॉक कर देगा। इसी प्रकार के हॉरिजॉन्टल वाला, अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर होता है तो वो केवल हॉरिजॉन्टल किरणों को पास करेगा, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा। दिखने में ये कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी मोबाइल का या किसी टीवी का खोला हुआ है, उसको देखा हुआ है, उसके पार्ट, तो आपको इस प्रकार से जरूर से देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के बारे में कि लिक्विड क्रिस्टल क्या चीज़ होती है। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल ना तो वो लिक्विड है और ना ही वो ठोस है, ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल हम सभी लोगों ने दोस्तों साइंस में पढ़ा है, पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अब ये लिक्विड क्रिस्टल क्या चीज़ है, देखिए लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है जो ठोस और द्रव के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करता है, वहीं पर होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली दोस्तों होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है नेमेटिक, सिमेटिक और कोलिस्टरिक।
अब देखिए दोस्तों, जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, इनके जो अणुओं का अरेंजमेंट होता है वो किसी ठोस की तरह होता है, बट ये ठोस नहीं होते। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, नेमेटिक, सिमेटिक और कोलेस्टेरिक। बट जो अपने एलसीडी डिस्प्ले में काम रहते हैं वो होते हैं ट्विस्टिक नेमेटिक, जो कि लाइट को 90 डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइट दी तो ये इसको ट्विस्ट कर देगा हॉरिजॉन्टली, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर लाइट को ट्विस्ट कर देगा। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली लाइट देंगे तो ये वर्टिकल लाइट बना देगा, मतलब ट्विस्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्लास प्लेट है, ये लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर दोस्तों, अगर हम किसी भी बट अगर दोस्त अगर दोस्तों हम इस लिक्विड क्रिस्टल को कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं या कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इसका जो ट्विस्टिंग मैकेनिज्म होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, मतलब कि ये लाइट को ट्विस्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हम ट्विस्टिंग न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल को काम में लेते हैं अपनी एलसीडी डिस्प्ले में। बात करते हैं पिक्सल की या कलर फिल्टर की। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे पिक्सल के बारे में कि उसकी डिस्प्ले 4K है, 2K है, फुल HD है, HD है। तो आखिर पिक्सल होता क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, पिक्सल कुछ नहीं होता, ये एक कलर फिल्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों, हम सभी को पता है जो एक पिक्सल होता है उसके अंदर भी 3 पिक्सल होते हैं और उनको हम सब पिक्सल बोलते हैं, ठीक है, उन 3 पिक्सल को। और तीनों ही जो सब पिक्सल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, जो कि RGB यानी एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है। और ये तीनों ही कलर दोस्तों सक्षम है आपस में एक दुनिया का किसी भी प्रकार का कलर बनाने में। तो इसलिए हम 3 कलर सब पिक्सल का यूज़ करते हैं अपने पिक्सल्स में, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे डिस्प्ले में एक नहीं होते पिक्सल, पिक्सल बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। पिक्सल से ही दोस्तों हम क्या होता है, हम अपनी लाइट को कंट्रोल करते हैं, उसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने डिस्प्ले पर रेड कलर शो कराना है तो ग्रीन और ब्लू कलर के पिक्सल को लाइट मत दो, बाकी अकेले रेड कलर फिल्टर को लाइट दे दो तो अकेला हमारे डिस्प्ले पर रेड कलर शो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 सब पिक्सल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल ग्लास है। और ये यहाँ पर वर्टिकल पॉलीराइड फिल्टर और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल पॉलीराइड फिल्टर को दिखाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, हम सभी लोगों ने जाना बैकलाइट के बारे में, पॉलीराइज फिल्टर के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, साथ ही साथ पिक्सल या कलर फिल्टर के बारे में। ये दोस्तों मैंने अपने हिसाब से बताया। अगर आप रियलिटी में किसी LCD TV को यार देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं अपनी बुक से, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर मिरर होता है, ग्लास होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, लिक्विड क्रिस्टल वगैरह होता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे लास्ट में होता है यहाँ पर बैकलाइट, फिर होता है एक नॉर्मल ग्लास। ये नॉर्मल ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट इजीली निकल सके, इसका कुछ रोल नहीं होता, ये जस्ट नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल पोलराइज फिल्टर होता है, फिर एक और ग्लास होता है, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और फिर हमारा लिक्विड क्रिस्टल, और फिर एक और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसके बाद ग्लास होता है, फिर हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर, और ये हमारे कलर फिल्टर या पिक्सल, और वापस से लास्ट में एक कवर ग्लास जो कि सबसे बाहर होता है, इसके बाद ऊपर एक प्लास्टिक से कवर रहता है। अब ये दोस्तों एक IPS डिस्प्ले है। अब ये IPS डिस्प्ले कैसे है, क्योंकि इसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यूज़ किया है। अगर इन दोनों को हटा दो तो ये प्योर LCD डिस्प्ले हो जाएगी, बट मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है। अब रियलिटी में अगर आप किसी TV को देखते हैं तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे लास्ट में होता है बैकलाइट, फिर होता है एक नॉर्मल ग्लास, फिर होता है वर्टिकल पोलराइज फिल्टर, फिर होता है एक और ग्लास, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक लिक्विड क्रिस्टल, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर ग्लास, फिर हॉरिजॉन्टल पॉलराइज फिल्टर, और फिर ये हमारे कलर फिल्टर या पिक्सल। ये 3 नहीं होते, ये होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, ये करीब लाखों में करोड़ों में होते हैं हमारी डिस्प्ले में, ठीक है। इसके बाद एक फाइनली कवर ग्लास, और ये प्लास्टिक की केसिंग में बंद रहता है। इसी प्रकार से हमारी LCD TV बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये बहुत छोटे होते हैं कलर फिल्टर या पिक्सल, और ये बहुत 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 ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसकी वर्किंग कैसे ये काम करता है। सबसे पहले होती है बैकलाइट। बैकलाइट क्या करेगी, बैकलाइट करेगी लाइट को इमिट। जैसे ही यहाँ से लाइट निकलेगी, अब जो लाइट बैकलाइट से निकली है दोस्तों वो है अनपोलराइज लाइट, मतलब कि वो बिखरी हुई है किसी भी फेजेस में, किसी भी डायरेक्शन में, इधर उधर किधर भी टेढ़ी मेढ़ी बिखरी हुई है। तो इस लाइट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस लाइट से हम अपने डिस्प्ले पर चित्र नहीं बना सकते। तो इसके आगे हम करते क्या है, इसके आगे हम लगा देते हैं वर्टिकल पोलराइज फिल्टर सबसे पहले, ठीक है। अब ये वर्टिकल पोलराइज फिल्टर क्या करेगा, केवल वर्टिकल लाइट को पास कर देगा, बाकी सभी लाइट को ब्लॉक कर देगा। कहने का मतलब वर्टिकल किरणों को पास करेगा, बाकी सभी किरणों को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद जो हमें लाइट मिलेगी वो मिलेगी वर्टिकली पोलराइज लाइट, ठीक है, जो कि वर्टिकल पोलराइज लाइट होगी कुछ इस प्रकार से। ये एरो की आप पहचान सकते हैं, ये वर्टिकल पोलराइज लाइट है, ठीक है।
अब इसके बाद इसको मिलेगा लिक्विड क्रिस्टल, और हमें पता है लिक्विड क्रिस्टल एक ट्विस्टेक नोमेटिक है, ये 90 डिग्री के एंगल पर हमारी लाइट को ट्विस्ट कर देगा। तो जो वर्टिकल लाइट मिली वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइट, क्योंकि ये ट्विस्ट कर देगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर के बाद एक और इसको मिलेगा फिल्टर, पोलराइज फिल्टर, जो कि होगा हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर। अब हमारी लाइट भी हॉरिजॉन्टल है और फिल्टर भी हॉरिजॉन्टल है, तो ईजिली पास करा देगा। ठीक है, तो यहाँ से ईजिली पास हो जाएगी लाइट, और फिर हमें मिलेगा कलर फिल्टर। कलर फिल्टर में हम कंट्रोल करेंगे कितना कैसा क्या यहाँ पर देना है। अब एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, अगर हम वर्टिकल पोलराइज फिल्टर और हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर इतने इतने के बीच अगर हम कोई ऐसी कंट्रोल टेक्निक लगा दें कि हम उस लाइट को कंट्रोल कर सकें कितना हमें फिल्टर को देना है किसने नहीं देना है, तो उसकी सहायता से हम अपने डिस्प्ले पर कोई भी चित्र बना सकते हैं, कोई भी वीडियो को बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स को वहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये बन जाती है IPS डिस्प्ले। IPS का फुल फॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या, हमें पता है कि जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल है अगर हम उसको वोल्टेज दें, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करें, तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट नहीं होता है, उसका ट्विस्टिंग जो मैकेनिज्म होता है वो बंद हो जाता है। तो बस इसी को काम लेते हैं हम अपनी LCD को कलर कंट्रोल करने के लिए या लाइट को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या, अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी डिस्प्ले में किसी एरिया में ब्लैक कलर को शो कराना है, तो हम उस टाइम करेंगे क्या, हम यहाँ से इसको पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे और इसका ट्विस्टेड मैकेनिज्म जो है वो हट जाएगा, तो उस पोर्शन में लाइट जाएगी ही नहीं, और उस पोर्शन में लाइट नहीं जाएगी तो उस उन कलर फिल्टर को भी लाइट नहीं मिलेगी, जिस कारण से वहाँ पर ब्लैक शो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल हाँ, पूरे डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्सल्स हैं या कलर फिल्टर हैं, इनको लाइट मिली ही नहीं, तो ये यहाँ पर जल ही नहीं रही, इनको लाइट मिल ही नहीं, तो ये यहाँ पर ब्लैक कलर से शो हो गया, और यहाँ पर हमें लिखा दिख गया कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक कीजिए, ठीक है, ये बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल और हमें अच्छे से लिखवाना है तो इस प्रकार से भी हम लिखवा सकते हैं, बाकी सभी पिक्सल को हम कुछ इस प्रकार से लाइट दे दें कि इस प्रकार से थोड़ा लाइट लाइट से हो जाए, और बाकी जो हमें लाइक लिखना है कुछ भी लिखना है उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर पिक्सल को लाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इन पिक्सल के केवल रेड वाला सब पिक्सल चालू है, यहाँ से हमने कलर को आपस में मिलाकर ब्लैक कलर शो करा दिया, यहाँ से ब्लू वाला पिक्सल चालू है, यहाँ से ग्रीन वाला, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे भैया यहाँ पर ये बॉक्सेस से डॉट डॉट से क्यों दिख रहे हैं, अभी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये पिक्सल थोड़े बड़े हैं अभी जो मैंने बनाए हुए हैं, बट ऐसा आपकी डिस्प्ले में नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्ले में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पिक्सल बहुत 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 ज़्यादा होते हैं, कभी लाखों करोड़ों पिक्सल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा किसी डिस्प्ले में 16 मिलियन कलर्स हैं, तो वहाँ पर 256 वैल्यू होंगी रेड की, 256 वैल्यू होंगी ग्रीन की, और 256 वैल्यू होंगी ब्लू की। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो करीब 16 मिलियन के समथिंग कुछ यहाँ पर कलर्स यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हम लाइट को कंट्रोल करते हैं। अब आप मैंने आपको बताया था IPS के बारे में, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि IPS डिस्प्ले वो क्या है। ठीक है, इसके पहले हम जान लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए, एडवांटेज इसके ये हैं कि CRT TV से कम पावर कंज्यूम करता है, और साथ ही साथ CRT से सस्ते मिलते हैं। इसके बाद हमें इनमें बेटर कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो LCD डिस्प्ले होते हैं वो बहुत ही पतले और वजन में बहुत कम भारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन भी उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो नीचे मैंने लिखे हुए हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड व्यूइंग एंगल, जहाँ पर हम व्यूइंग एंगल कम देखने को मिलते हैं, रिक्वायर एडिशनल लाइट सोर्स, मतलब कि इसमें हमें प्रॉपर लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है जिसके लिए हम बैकलाइट का यूज़ करते हैं। इसके बाद रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लिमिटेड फॉर ऑपरेशन, इसके बाद ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी काम नहीं कर सकती, लो रिलायबिलिटी है, इसके बाद स्पीड इसकी बहुत स्लो है, और कुछ समय इसमें जो ब्लैक लेवल होते हैं वो उतने ब्राइट नहीं होते। कहने का मतलब LCD डिस्प्ले में ब्लैक कलर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे जो बैकलाइट लगा हुआ है वो पूरा बंद नहीं होता है, वो फिर भी कुछ ना कुछ चालू रहता है, तो पिक्सल को पता है कि लाइट नहीं मिल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत उसको लाइट मिलता रहता है, जिसके कारण वो आपको हल्का सा ग्रे टाइप का कुछ यहाँ पर दिखता है। एप्लीकेशन की बात करें तो आपके कंप्यूटर्स के मॉनिटर्स में, आपके टेलीविजन्स में, आपके स्मार्टफोन में, आपके डिजिटल वॉचेस में, और भी बहुत 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 जगह LCD डिस्प्ले का यूज़ हम करते हैं। जहाँ पर चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के तरह तरह के डिवाइस हो गए हों, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी, साइंस फील्ड में, मतलब हर जगह इसको हम बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था IPS डिस्प्ले के बारे में कि IPS डिस्प्ले क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर हम LCD TV में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें जिससे हम उस लाइट को कंट्रोल कर सकें, तो वो टेक्नोलॉजी बेसिकली यहाँ पर होती है दो प्रकार की, एक होती है IPS यानी इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले, दूसरी होती है TFT डिस्प्ले यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले।
आईपीएस डिस्प्ले में तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यानी कि मैं हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, जो टीएफटी डिस्प्ले होती है उसमें क्या होता है, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। अब देखिए, टीएफटी डिस्प्ले में क्या होता है, जितने भी हमारे पिक्सल होते हैं, कलर फिल्टर होते हैं, उन सभी पिक्सल को एक एक ट्रांजिस्टर दे देते हैं। उन ट्रांजिस्टर की मदद से हम कंट्रोल करेंगे उन लाइट को। हमें पता है ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच के रूप में काम ले सकते हैं, तो स्विच की तरह ही वहाँ पर ट्रांजिस्टर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, टीएफटी बहुत महंगी हो जाती है क्योंकि इसमें इतने सारे ट्रांजिस्टर चाहिए पड़ेंगे। इसके बाद उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी अच्छी आईपीएस होती हैं, ठीक है। आईपीएस में बेटर हमें बीम एंगल, कंट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह एकदम अच्छी मिलती है आईपीएस में, बट टीएफटी में उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो अगर दोस्तों आप आईपीएस डिस्प्ले और टीएफटी डिस्प्ले के बीच में फुल कंपेरिजन चाहते हैं एकदम डिटेल से, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं, बेसिक सी चीज़ें हैं और इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है या आप मुझसे पर्सनल बातचीत या कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डायरेक्टली ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई आपको डाउट रह गया हो, तो नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।